हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक्स। इसे बनाने के लिए मैंने 4 चिकन लेग पीसेस लिया है, जिस पर मैंने स्लिट्स बना लिया है। नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 कप दही जो मैंने फेंट के रखा है, और 2 टेबलस्पून स्पाइसी हॉट सॉस। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छे से मिला दें। चिकन आपको कितना स्पाइसी पसंद है, उस हिसाब से हॉट सॉस कम या ज्यादा यूज करें। इन मसालों में चिकन को मैरिनेट करने के लिए चिकन को कम से कम 2 घंटे के लिए ढककर रख दें। चिकन के कोटिंग के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, साथ में नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टेबलस्पून ऑरेगानो लिया है। अब इन सारे स्पाइसेस को मैदे में मिक्स कर दें। कोटिंग के लिए स्पाइस मिक्स तैयार है। मैरिनेटेड चिकन को एक बार और मिक्स कर लें। एक एक करके इन सारे चिकन ड्रमस्टिक्स को स्पाइस मिक्स्ड मैदे में चारों तरफ से कोट कर लें। एक्स्ट्रा मैरिनेटेड मसाला को यूज ना करें। अब इन कोटेड ड्रमस्टिक्स को 15 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे ये मैदा का कोटिंग सारे मसालों को एब्जॉर्ब कर ले। इन चिकन ड्रमस्टिक्स को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल लेकर लो मीडियम फ्लेम पर गरम करें। जब तेल गरम हो जाए, तब 1 या 2 ड्रमस्टिक्स को ध्यान से तेल में डालें। चिकन को लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। 4 मिनट बाद इन चिकन ड्रमस्टिक्स को दूसरे तरफ पलट दें। अगर चिकन अच्छे से मैरिनेट हुआ है तो 10 मिनट में चिकन फुल्ली कुक हो जाएगा। जब ये चिकन ड्रमस्टिक्स पूरा कुक हो जाए, तब इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लें। आपको फ्राइड चिकन में कितना कलर चाहिए, उस हिसाब से चिकन ड्रमस्टिक्स को 1 या 2 मिनट और चारों तरफ से फ्राई कर लें। इसी तरह बाकी के सारे चिकन ड्रमस्टिक्स को फ्राई कर लें। क्रिस्पी टेस्टी स्पाइसी फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक्स तैयार हैं। इस हॉलीडे सीजन में इस टेस्टी डिश को ज़रूर बनाएं और सबके साथ एंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।